बीमारियों के तीन बड़े कारण हैं। ऐसे तो एक एक डिजीज के डिटेल में जाते हैं तो 10 से 20-20 कारण होते हैं एक एक बीमारी के, लेकिन तीन बड़े कारण हैं। एक तो जेनेटिक रोग जिसको वंशानुगत कहते हैं, और शास्त्र में उनको प्रारब्ध दोष भी कहा जाता है कि इसका कारण ये जन्म नहीं है, पूर्व जन्म, माता पिता, जो भी इसके कारण है वो प्रारब्ध उसको कहा जाता है हमारे यहाँ संस्कृत में। एक तो प्रारब्ध कारण है माने जिसको जेनेटिक डिजीज कहते हैं, वंशानुगत रोग कहते हैं। दूसरा हम स्वयं कारण, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं होती है, हमारी आहारचर्या अच्छी नहीं होती है। दिनचर्या और आहारचर्या पर आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बल दिया है। सुबह उठने से लेकर के शाम तक हमारे जीने का जो ढंग है, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव, हमारे खाने का समय ठीक नहीं होता है। अब आयुर्वेद में तो कहा काल भोजनम आरोग्य कराणम, समय पर खाना खाना ये आरोग्य का सबसे बड़ा साधन है। समय पर ना खाना तो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी लाइफ साइकिल को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बड़ा खतरनाक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। अब रात को सोते समय अपने तलवों पर नारियल का तेल या बादाम का तेल या तिल का तेल या हम आपको उपलब्ध कराते हैं। नारियल का तेल भी हम आपको दो तरह का उपलब्ध कराते हैं, एक तो जो है वर्जिन क्वालिटी का नारियल ऑयल है जिसको आप पी भी सकते हैं और तलवों में लगा सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं, एक इससे दो चम्मच सुबह खाली पेट लेने से तो हड्डियाँ मांसपेशियाँ बड़ी मजबूत हो जाती हैं। तो ये नारियल का तेल, बादाम का तेल, और वो भी सस्ते दामों पर, माने करीब करीब हमदर्द का ज़्यादा मिलता था ये, अब हम कोई हमदर्द से हम कोई बेदर्द नहीं है, हमदर्द भी हमारे मुस्लिम भाई एक फार्मेसी चलाते हैं, उनका ही मिलता है, साफ़ी और बादाम रोगन और भी एक दो रू अफजा, ये हमदर्द वाले हमारे भाई बनाते हैं। तो हम कोई हिंदू मुसलमान दवाइयों में उपचार में इसमें नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारी लड़ाई तो एमएनसीज के साथ में है, लेकिन ये सच है कि जो है पतंजलि का गुलाब शरबत वो उनके रू अफजा से 21 ही होगा, 19 नहीं है। और पतंजलि का जो बादाम रोगन है, आप दोनों को आप ले आइए आप घर में, पतंजलि से लगभग डबल कीमत का है हमदर्द का बादाम रोगन शीरीन, और पतंजलि में हम कायाकल्प आपको देते हैं और वहाँ जो साफ़ी मिलता है, खैर कायाकल्प नीम आदि हम देते हैं रक्त की शुद्धि के लिए, कायाकल्प का क्वाथ भी पी सकते हैं आप। मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वापस आ रहा हूँ। मैं कह रहा था अलग अलग इलाकों में 10-20% लोगों को ब्लड प्रेशर, 10-20% लोगों को शुगर, 50% लोगों को फैटी लीवर, फिर अलग अलग इलाकों के अंदर लगभग 10% लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम, और फिर स्ट्रेस तो 99% लोगों का, ओबिसिटी करीब 50% लोगों को प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, अस्थमा और ये सब चीज़ें, एक एक बीमारी को देखेंगे, पेट की बीमारियां करीब 99% लोगों को, एक उम्र होने के बाद माने 40-50 साल के बाद में वात पित्त कफ कोई ना कोई रोग, और किसी के तो त्रिदोष ही विकृत हो जाते हैं। तो एक एक बीमारी से 10-20-50% से लेकर के 90% तक, और किसी से तो 99, जैसे स्ट्रेस आदि जो रोग हैं, पेट की डिसऑर्डर्स हैं, पेट अपसेट रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है, तो करीब करीब 99% लोगों की समस्याएं हैं।